राम राम दोस्तों, ज्योतिष में गोचर फल के अध्ययन में लंबी अवधि के ग्रह, स्लो मूविंग प्लैनेट्स, शनि, गुरु, राहु, केतु, ये जब भी राशि परिवर्तन करते हैं या अपनी गति में परिवर्तन करते हैं तो ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना होती है। नवग्रहों में सबसे शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति 31 दिसंबर 2023 को मार्गी गति से संचरण करने लगेंगे। पिछले 118 दिन से वो वक्री चल रहे थे। सबसे शुभ ग्रह इसलिए क्योंकि बृहस्पति वृद्धि, एक्सपेंशन, विकास, ग्रोथ, गाइडेंस, आगे बढ़ने के नए अवसर इनके कारक हैं। जीवन के ठहराव को गति देते हैं बृहस्पति। शिक्षा पक्ष, संतान पक्ष, भाग्य पक्ष, शुभ व मांगलिक कार्य, विजडम, विवेक, धन संपदा, प्रोस्पेरिटी, धर्म, अध्यात्म, नैतिकता, ऑप्टिमिज्म, राइटियस पाथ, ये सब बृहस्पति के कारकत्व में आता है। अप्रैल 2023 को ही देवगुरु बृहस्पति ने अपने परम मित्र मंगल की राशि मेष में प्रवेश किया था। बृहस्पति के लिए मेष राशि एक मजबूत राशि है, लेकिन बृहस्पति के मेष राशि में प्रवेश से पहले ही राहु वहां पर गोचर कर रहे थे, जिससे चंडाल दोष बना। बृहस्पति की शुभ ऊर्जा राहु की नकारात्मक ऊर्जा को बैलेंस करने में खर्च होने लगी, इसलिए बहुत से लोगों को बृहस्पति का शुभ फल प्राप्ति नहीं हुआ। 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेष राशि से निकल भी गए, लेकिन बृहस्पति उससे पहले ही 4 सितंबर 2023 को वक्री हो गए। वक्री का मतलब ही है जो टेढ़ा मेढ़ा है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, सीधा नहीं है उसका फल। ग्रह जब वक्री होता है तो पहले वो थोड़ा ठहरता है, पीछे की तरफ जाता हुआ प्रतीत होता है, जैसे वो कुछ भूल गया था, कुछ सुधारना चाहता है, फिर वो आगे बढ़ता है। इसलिए वक्री ग्रह का फल सीधा सीधा नहीं मिलता है। लेकिन अब 31 दिसंबर 2023 को बृहस्पति की गति मार्गी हो जाएगी। मार्गी होते वक्त बृहस्पति 11 डिग्री से आगे बढ़ना शुरू करेंगे और उनकी गति भी तेज रहेगी और उनका प्रभाव भी काफी तेज होगा। 2024 के पहले 4 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनमें बृहस्पति मजबूती से अपना प्रभाव देंगे। मेष राशि में बृहस्पति के गोचर का जो असली प्रभाव है इन 4 महीनों में दिखाई देगा। 1 मई 2024 को बृहस्पति मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ जिम्मेदारियों को बढ़ाते हैं, लेकिन वहाँ पर नुकसान नहीं करते हैं। लेकिन बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत माना जाता है, वहाँ बहुत शुभ प्रभाव छिपा हुआ होता है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ के लिए क्रिएटिविटी बढ़ती है आपके अंदर, वहाँ आप कुछ नई उत्पत्ति, एक्सपेंशन कर सकते हैं। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि रिलेशनशिप को बढ़ाती है और बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वहाँ के लिए भाग्य के साथ को बढ़ाती है। इसके साथ ही बृहस्पति मेष राशि में है तो उनकी 5वीं दृष्टि सिंह राशि पर पड़ेगी, जो ईगो को नियंत्रित करेगी, और 7वीं दृष्टि तुला राशि पर पड़ेगी, जो जीवन में इक्विलिब्रियम को बढ़ाएगी, और जो 9वीं दृष्टि है वो धनु राशि पर पड़ेगी, जो आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाएगी। तो अब बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति 31 दिसंबर 2023 को मार्गी होने के बाद कर्क राशि वाले लोग जो हैं, कैंसर पीपल, उनको क्या परिणाम देने वाले हैं। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर ये वीडियो आधारित है, आप इसको लग्न की राशि से भी देख सकते हैं। और अच्छा तो यही होगा कि आप दोनों से देखिए, यदि दोनों से गोचर फल शुभ परिणाम देता है तो आपको बेहतरीन फल मिलेगा। यदि एक से शुभ और एक से अशुभ मिलता है तो आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे, शुभ भी और अशुभ भी। कर्क वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके छठे और नवम भाव के स्वामी होकर आपके दसम भाव में मेष राशि में गोचर करते हुए मार्गी होंगे, और उनकी जो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां हैं वो आपके दूसरे भाव, चतुर्थ भाव और छठे भाव पर पड़ेगी। वर्ष 2024 के शुरू के 4 महीनों में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपके सर्विस भाव और भाग्य के स्वामी बृहस्पति आपको काफी शुभ परिणाम देंगे। अप्रैल 2023 को ही देवगुरु बृहस्पति ने आपके दसम भाव में मेष राशि में प्रवेश किया था, लेकिन वहां पर पहले से राहु चल रहे थे तो चंडाल दोष बन गया था, जिसके कारण करियर और रोजगार में जो महत्वपूर्ण निर्णय आपने लिए उनका परिणाम आशा अनुरूप नहीं आया। हार्ड वर्क तो आपका बढ़ा लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया। शनि की तीसरी नीच दृष्टि भी आपके दसम भाव पर रही, गुप्त शत्रुओं की परेशानी, कार्यस्थल पर बढ़ी, सीनियर्स और कोवर्कर्स का सहयोग आपको नहीं मिला, और बहुत से कर्क वालों की नौकरी भी गई या डिमोशन हुआ। 30 अक्टूबर 2023 को राहु के मेष राशि से निकल जाने के बाद भी स्थितियां बहुत ज्यादा नहीं बदली, क्योंकि बृहस्पति वक्री चल रहे थे, शनिदेव की अष्टम ढैया तो आपको चल ही रही है। लेकिन अब 31 दिसंबर 2023 को बृहस्पति के मार्गी होने के बाद स्थितियां सुधरेंगी। भाग्य भाव के स्वामी होकर बृहस्पति आपके दसम भाव में मार्गी होंगे तो भाग्य का साथ पहुंचेगा दसम भाव में। कर्म क्षेत्र में वृद्धि होगी, आपके कार्य क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, आपके रुके हुए काम जो हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। अपनी बुद्धिमत्ता व ज्ञान से वर्क पॉलिटिक्स को आप खत्म करेंगे। कार्य क्षेत्र पर जो चुनौतियां हैं वो तो आपकी अभी भी रहने वाली हैं, क्योंकि बृहस्पति आपके छठे भाव के स्वामी भी हैं,
लेकिन एक विशेष बात कर्क वालों के लिए ये है कि नव वर्ष के पहले 80-90 दिन आपके लिए जो योग कारक ग्रह मंगल, उनका प्रभाव आपके दशम भाव पर रहेगा। जनवरी 2024 में योग कारक मंगल आपके छठे भाव में धनु राशि में गोचर करेंगे। छठा भाव जो है वो मंगल के लिए काफी मजबूत स्थान है। छठे भाव और आपके दशम भाव में राशि परिवर्तन योग भी बनेगा मंगल और गुरु के बीच में। छठे भाव के स्वामी जो बृहस्पति हैं वो आपके दशम भाव में रहेंगे, दशम भाव के स्वामी मंगल आपके छठे भाव में रहेंगे। तो कार्यस्थल पर जो आपके शत्रु हैं वो कमजोर होंगे। कैरियर के कारण यदि आपका कर्जा बढ़ा हुआ है तो उससे मुक्ति का रास्ता बनेगा। कैरियर में जरूरी बदलाव या विस्तार आप कर सकते हैं। पद प्रतिष्ठा, स्टेटस, अथॉरिटी ये आपकी बढ़ेगी। आपके डेली रूटीन में अनुशासन बनेगा, जिससे सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको विशेष लाभ के योग बनेंगे। जनवरी के बाद भी फरवरी 2024 से जो योग कारक मंगल है वो उच्च के हो जाएंगे मकर राशि में आपके सातवें भाव में, और मंगल की जो स्वग्रही चौथी दृष्टि है वो आपके दशम भाव पर पड़ेगी। मंगल ही आपके दशम भाव के स्वामी है, तब भी कार्यस्थल पर आपका दबदबा बढ़ेगा। आप मन चाहा विस्तार कर सकते हैं कार्य में, जॉब में आपका जो प्रमोशन है, इंक्रीमेंट मिलना, ये सब हो सकता है। ओवरऑल वर्ष के जो पहले आपके 4 महीने हैं उसमें मार्गी बृहस्पति दशम भाव में कैरियर, नौकरी, बिजनेस के मामले में काफी शुभता आपको देंगे। एफर्ट्स आपको ज्यादा करने ही होंगे, क्योंकि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके दशम भाव पर रहने वाली है। जिन कर्क वालों के पास नौकरी नहीं है, जिन्हें नौकरी की तलाश है, उनको भी जनवरी और फरवरी में नौकरी मिलने का मजबूत योग है। बृहस्पति की पांचवी दृष्टि आपके दूसरे भाव धन भाव पर रहेगी। धन की वृद्धि होगी, नए आइडियाज, नए तरीके से आपको काम करना होगा। राहु आपके नवम भाव में है तो शॉर्टकट से बचें, गैर कानूनी काम ना करें, नहीं तो अष्टम ढैया आर्थिक मामलों से संबंधित कानूनी परेशानी आपको दे सकती है। परिवार में भी आपके ग्रोथ होगी, परिवार में विवाह होना, बच्चों का जन्म होना, ये सब भी बृहस्पति की पांचवी दृष्टि के प्रभाव से हो सकता है। बृहस्पति की जो सातवीं दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी, तो पारिवारिक रिश्तों में संतुलन बढ़ेगा, माता के साथ संबंध सहयोग बढ़ेगा, अच्छा हो जाएगा। माता के स्वास्थ्य में यदि परेशानी थी तो वहां भी आपको सुधार दिखाई देगा। सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि होगी, रियल एस्टेट, व्हीकल्स, लग्जरी आइटम्स, इनकी जो सेल परचेज है, और एग्रीकल्चर, इनसे जुड़े हुए जो कर्क वाले हैं उनको विशेष लाभ हो सकता है। प्रॉपर्टी के उलझे हुए मामले सुलझ सकते हैं, नया घर, वाहन आप खरीद सकते हैं या घर में रिनोवेशन करवा सकते हैं। बृहस्पति की नौवीं स्वग्रही दृष्टि आपके छठे भाव पर रहेगी। आपके डेली रूटीन में अनुशासन बढ़ेगा, जिससे स्वास्थ्य के मामले में तथा वर्क प्लेस के एनवायरमेंट में दोनों जगह आपको लाभ दिखाई देगा। करियर व्यापार के लिए लोन यदि आपको चाहिए, कर्ज चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगा। शत्रुओं की वृद्धि भी होगी, जब आप आगे बढ़ेंगे तो राइवलरी भी होगी, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता व ज्ञान से आप आगे बढ़ जाएंगे। तो कर्क वाले दोस्तों, वर्ष 2024 के पहले 4 महीनों में देवगुरु बृहस्पति का मार्गी गति से संचरण करना, शनि की अष्टम ढैया के दौरान भी आपके कैरियर, आर्थिक पक्ष व रिश्तों को मजबूत करेगा। अपने लाइफस्टाइल का आपको ध्यान रखना है, फिजूल के वाद विवाद से दूर रहना है तथा अपरंपरावादी कार्यों से बचना है। 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करके आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे, तब आपके लिए जो ग्रोथ की संभावनाएं हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी। भगवान शिव की उपासना आपको जरूर करनी चाहिए। शिवलिंग पर जल अर्पण करें, दीपक जलाएं तथा ओम नमः शिवाय 10 मिनट, और इसके तुरंत बाद 10 मिनट ही ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रम से नमः, इन मंत्रों का जप करना आपके लिए बेहद शुभ है। राम राम।